खजाना देखने वालों को मेरा यानी संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार ऐसा कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या जी हाँ पर्शियन लैंग्वेज इतनी पुरानी है जब भी पुरानी चीजों की बात आती है तो पर्शियन लैंग्वेज की ज़रूर बात आती है जो फारसी जुबान है वो इतनी बढ़िया है इतनी मीठी है जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जुबान की और मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि जो पर्शियन खाना है वो जुबान से भी ज्यादा अच्छा होता है तो आज का एपिसोड है पर्शियन तो देखते हैं कुछ बढ़िया सी पर्शियन डिशेस। शुरुआत करेंगे बुरानी एस्पिनाच से आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है? कोई बात नहीं तो देखते हैं पालक का रायता पर्शियन स्टाइल में इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पालक के पत्ते दो कप दही आधा छोटा चम्मच नमक आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच लसन बारीक कटा हुआ दो बड़े चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ और एक बड़ा चम्मच मक्खन बुरानी एस्पेनाज। एस्पेनाज इंग्लिश में पालक को स्पेनेज कहा जाता है तो आप देखेंगे कि कितना मिलता जुलता नाम है और बुरानी जब भी आप बुरानी देखें तो इसका मतलब है कि दही से इसका जरूर कुछ ना कुछ मतलब होगा और नॉर्मली जो बुरानी है हमेशा कुछ एक चीज उसके अंदर रहती है जैसे इसके अंदर पालक है इसके लिए पालक के पत्तों को आप अच्छी तरह से धोलें और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे पानी के अंदर पानी गर्म कर लें जब पानी गर्म हो जाएगा तो इन पालक के पत्तों को डालेंगे थोड़ा सा इसको पकाना है इसलिए कि जो पालक है उसका थोड़ा सा रंग अच्छा हो जाए थोड़ी सी पालक पक जाए पालक को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है पकाएंगे हम इसको बाद में जब काट लेंगे वैसे पुराने जमाने में तो पालक को पहले काटा जाता था और उसके बाद धोया जाता था उसके बाद पानी में पकाया जाता था उसके बाद निचोड़ा जाता था लेकिन आजकल हम न्यूट्रिशन हेल्थ की इतनी बात करते हैं तो हमें मालूम है कि कोई भी सब्जी जब हम बनाते हैं तो पहले काटे नहीं उसे उसे पका लें और उसके बाद काटें अब ये पानी गर्म हो गया है इसके अंदर ये पालक के पत्ते डाल दें इसमें थोड़ा नमक जो पालक के पत्ते हैं वो पानी के अंदर भीग जाएं, उसको थोड़ी देर पकाना है करीब तीन से चार मिनट तक तब तक प्याज को हम चॉप कर लेते हैं प्याज को बारीक चॉप करना है इसमें हमने पालक को अभी तो पकाया है सिर्फ पानी में उसके बाद थोड़ा मक्खन में और पकाएंगे प्याज और गार्लिक के साथ प्याज को बारीक चॉप कर ले आप और इसके बाद जब तक ये पालक के पत्ते पकते हैं तब तक हम थोड़ा प्याज और लहसुन को पका लेते हैं और इसको अब हम पकाएंगे मक्खन में इसके लिए आप मक्खन ले लें स्पिनिश के पत्तों को थोड़ा पलट लें ताकि वो सब तरफ से बराबर पक जाएं। अब ये पालक के पत्ते भी पक गए हैं इसको पानी में से निकाल लें यानी गर्म पानी में से निकाल लें और ठंडे पानी में डालें ताकि इसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए ये मक्खन भी पिघल गया है इसके अंदर ये प्याज डालें और प्याज को भूनना है हमने थोड़ी देर तक प्याज को भूनें ताकि ये जो प्याज है सॉफ्ट हो जाए जब तक प्याज पकता है हम ये स्पिनच लीव्स इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निचोड़ लें इसको अच्छी तरह से निचोड़कर इसे अब हम चॉप करेंगे इसको बारीक चॉप करना है हमने अब ये जो प्याज है ये भी सॉफ्ट हो गए हैं अब इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ गार्लिक लसन और पालक का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसलिए इसके अंदर हमने गार्लिक डाला है चॉप किया हुआ और उसको भी थोड़ा स्वेट करना है यानी उसे भी थोड़ी सी देर पकाना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और अब इसके अंदर ये चॉप किया हुआ पालक पालक को मिक्स कर लें आप प्याज के साथ और गार्लिक के साथ और इसे सीजन करें सॉल्ट और पेपर पाउडर और अब भी इसे कोई ज्यादा देर नहीं हमने पकाना सिर्फ मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और इसमें जो दही आपने लेनी है उसको पहले फेंट लें या किसी कपड़े में से छान लें ताकि जो दही है उसमें दाने नहीं हो और अब ये जो पालक है इसको दही में मिक्स कर दें पालक डालने के बाद इसको मिक्स कर दें और इसके बाद जिस बर्तन में आपने इसको सर्व करना है उसके अंदर डालें और इसको इस तरह से सर्व नहीं करें इसको एकदम ठंडा करके चिल करके किसी पिलाफ या जी हां चेलो राइस वो भी पालक वाला है मटन का है तो देखेंगे इस बुरानी एस के बाद एक ऐसी रेसिपी जिसको आप बहुत पसंद करेंगे इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पालक के पत्ते दो कप दही आधा छोटा चम्मच नमक आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच लसन बारीक कटा हुआ दो बड़े चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ और एक बड़ा चम्मच मक्खन पालक के रायते के लिए सबसे पहले पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर उसे उबलते हुए पानी में नमक डालकर तीन से चार मिनट तक पकाएं। इसको पानी में से निकालकर पानी निचोड़कर इसे बारीक काट लें। अब एक पैन में थोड़ा सा मक्खन लेकर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर कुछ देर तक पकाएं। इसमें बारीक कटा हुआ पालक डालकर इसे सीजन करें नमक और काली मिर्च के पाउडर से इस पालक को ठंडा कर दही फेंट कर इसमें मिलाएं और इसको ठंडा करके सर्व करें और अब मैं आपको बताऊंगा शा की सबसे मशहूर रेसिपी चेलो राइस खैर चेलो राइस बहुत ही सिंपल है तो ऐसा करते हैं कि चेलो राइस से कोई ऐसी डिश बनाते हैं जो थोड़ी सी मुश्किल हो लेकिन खाने में बहुत बढ़िया हो तो देखते हैं एक राइस की डिश जिसमें पालक है जिसके अंदर मटन है बहुत ही टेस्टी है बहुत ही बढ़िया है मुझे बहुत पसंद है आपको भी पसंद आएगी खैर अभी तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें इसके लिए हमें चाहिए ढाई कप चावल 400 ग्राम बोनलेस मटन तीन बड़े चम्मच मक्खन एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर चुटकी भर केसर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक चौथाई चम्मच सिनेमन पाउडर 200 ग्राम पालक के पत्ते एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ प्याज एक कप दही एक अंडा और नमक स्वादानुसार। इस डिश के लिए सबसे पहले आप राइस ले लें इसके लिए आप लॉन्ग ग्रेन राइस ले सकते हैं और इस राइस को आप तीन बारी हलके गरम पानी में अच्छी तरह से धोलें तीन बारी इसको हल्के गर्म पानी से धो लें और उसके बाद ठंडे पानी में सोख करके रखें करीब छह से आठ घंटे तक यदि आप जल्दी में हैं तो इसको करीब एक घंटे तक सोक करके रखें लेकिन राइस को सोख करके जरूर रखें और इस डिश में हम पालक के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे और उसी तरह से जैसे हमने दही के साथ बनाया था ये पालक के पत्तों को भी हम गर्म करेंगे इसे पकाएंगे थोड़ा सा उसके बाद इसको चॉप करके जैसे हमने दही में डाला था उसी तरह से इसमें हम प्याज के साथ इसको थोड़ा सा पकाएंगे तब तक जो चावल है उसे हम उबाल लेते हैं ये जो भीगा हुआ चावल है आप इसको उबाल लें खूब सारे पानी में आप चावल ले लें गरम पानी के अंदर चावल डालें इसको सीजन कर लें इसमें नमक डालें और इसमें थोड़ा सा सिनेमन कूटा हुआ और आप इसे उबलने दें तब तक जो मटन है उसे पका लें इसके लिए यहां पर तो मैं बोनलेस मटन ले रहा हूं आप चाहें तो इसमें चॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सीजन कर लें इसमें नमक डालें काली मिर्च पिसी हुई सिनेमन और लाल मिर्च और इसके साथ इसमें डालें चुटकी भर केसर उसको थोड़ा सा मसल लें और इन सब चीजों को मिक्स कर लें इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद इसे हम सौते करेंगे थोड़ा सा पकाएंगे और इसे पकाया जाएगा मक्खन के साथ आप एक पैन में मक्खन गर्म कर लें और मक्खन जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तब इस मटन के पीसेस को उसमें डालेंगे ये स्पिनच अब पक चुकी है इस के लीव्स को हम निकाल लेते हैं गर्म पानी में से इसे निकालकर आप ठंडे पानी में थोड़ा रिफ्रेश कर लें इसे इसको अच्छी तरह से निचोड़ ले ताकि इसमें पानी ना रहे और अब इसे चॉप कर लें पालक के पत्ते हैं इसे हमने चॉप करना है इसे बारीक चॉप करेंगे ये पालक के पत्ते चॉप हो गए हैं और इसको थोड़ा प्याज के साथ और मक्खन के साथ पकाएंगे तब तक मटन को इसमें डालें जो सीजन किया हुआ मटन है। इसको हम पकाएंगे एक बार फिर मक्खन आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मक्खन मेल्ट कर लें ये जो मटन है इसका ध्यान रखें आप इसको सौते करना है ताकि इस पे बाहर से कुकिंग हो जाए और इसके जो जूसेस हैं वो अंदर सील हो जाएं इसका मतलब है कि इसमें हमने अभी पानी नहीं डालना और इसको तेज आंच पे पकाना है हमने साथ साथ जो चावल हैं उस पर भी ध्यान रखें इस चावल को हमने पकाना है लेकिन बिल्कुल पूरा नहीं पकाना थोड़ी सी कसर इन चावल में हमने रखनी है क्योंकि इसे हम पकाएंगे दम पे जी हाँ ये जो रेसिपी है उसको इस तरह से पकाया जाता है काफी देर तक ये चावल पकते हैं तो थोड़ी सी कसर आप चावल में रहने दें मक्खन पिघल गया है अब इसके अंदर प्याज प्याज को हल्का सा भूनना है हमने जब प्याज हल्का भून जाए तो ये जो हमने स्पिनिच पकाई हुई है उसको डालें इसको सीजन करें नमक काली मिर्च पाउडर से इसको हमने ज्यादा सुखाना नहीं है इसको अब एक कप दही के अंदर आप मिला लें इसको मिक्स कर लें यह जो मीट है इसमें से काफी पानी छूट रहा है इसे थोड़ा सा भी हमने सुखाना है तब तक चावल देखते हैं हम थोड़ा सा चावल और पकना है इसके बाद इस चावल को हम छानेंगे और उसके बाद बाकी तैयारी करेंगे इस डिश को बनाने की इस राइस को बनाने की इसके लिए हमें एक अंडे की जरूरत है तब तक हम एक अंडा ले लेते हैं और इस अंडे को फेंट ले अब ये जो चावल है ये तैयार हो गए हैं इसे हम छान लेते हैं एक छन्नी रखकर इस चावल को आप छान लें अब ये जो अंडा हमने लिया है इसके अंदर मिलाएंगे थोड़ा ये चावल करीब इतना चावल इस अंडे के साथ मिक्स कर लें और जिस बर्तन में आपने इसको बनाना है उसके अंदर उसके नीचे जो निचली तह है वो होगी इस चावल से जिसमें है अंडा और इसके बाद ये जो पालक हमने बनाया है उसको इसके ऊपर डालें उसको भी इस तरह से आप स्प्रेड कर लें उस चावल के ऊपर और अब डालें ये जो मटन हमने पकाया है ये अभी पूरा गला नहीं है लेकिन इसको इस तरह से हम रखेंगे इसके बाद ये जो चावल है इसको आप इसके ऊपर डाल दें अब इसके बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा और रिच कर सकते हैं और मक्खन मेल्ट करके इसके ऊपर डालें इसको हम कवर करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से नहीं तो आप चाहें तो गीले कपड़े से भी आप इसको ढक सकते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा सकते हैं बर्तन के ऊपर और अब इसे आप पकाएं, धीमी आंच पर इसको ढकने के बाद करीब 40 से 45 मिनट तक आपने पकाना है आप सोच रहे होंगे चावल इसके अंदर पका हुआ है पालक हमने पकाया है तो इतना ज्यादा टाइम क्यों लगे इस डिश को पकाने में ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो हमने मटन डाला है वो बिल्कुल पका नहीं था उसको सिर्फ हमने कलर दिया था थोड़ा सा उसका पानी सुखाया था तो उसको गलने में टाइम लगेगा और वैसे भी इस डिश में मजा तभी आता है जब ये धीमी आंच पर पकता रहे और दूसरा ऐसे पक पक कर जो नीचे की सतह है जो नीचे का लेयर है जिसमें अंडा डला है चावल के साथ वो करारी हो जाएगी वो क्रस्ट फॉर्म कर लेगी थोड़ा कलर आएगा उसके अंदर और वही मजा है इस डिश का लेकिन कैसे मजा आता है वो देखेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद तो चलिए देखते हैं ये जो चावल है ये तैयार हो गया या नहीं पक गया है या नहीं इसको सर्व करने से थोड़ी देर पहले यानी कुछ सेकंड पहले ही इसको खोलें ताकि इसकी जो खुशबू है वो उसी के अंदर ही रहे वाह क्या खुशबू आ रही है इसके अंदर जो केसर हमने डाला था मटन में उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और चावल भी एकदम बढ़िया पक चुका है इसके अंदर ये जो मीट के पीसेस हैं ये भी अब गल गए हैं, इसको सारा डाल देते हैं ये देखिए जो पालक है कितने अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका और इसका जो असली हिस्सा है जो सबसे डिलिशियस जो सबसे टेस्टी पार्ट है वो है इसका तला। ये देखिए ये कितना अच्छा इसका क्रस्ट ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो कितना अच्छा लाल हो गया है ये देखिए और ये है इस डिश का सबसे डिलिशियस पार्ट खैर आप चाहें तो बाकी चीजें भी खा सकते हैं लेकिन मुझे पसंद है इसका जो क्रस्ट वो तो आपको यह डिश का मजा लेना है तो इसको इतनी देर तक जरूर पकने दें, जब तक उसका जो नीचे वाला क्रस्ट है वो इतना अच्छा लाल और करारा ना हो जाए लेकिन ध्यान रहे कि इतना ज्यादा भी आप ना पका दें कि नीचे वाले चावल जल जाए तो खैर अब आप इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए इसके लिए हमें चाहिए ढाई कप चावल 400 ग्राम बोनलेस मटन तीन बड़े चम्मच मक्खन एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर चुटकी भर केसर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक चौथाई चम्मच सिनेमन पाउडर 200 ग्राम पालक के पत्ते एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ प्याज एक कप दही एक अंडा और नमक स्वादानुसार पर्शन राइस पालक और मटन के साथ इसके लिए सबसे पहले पालक के पत्तों को गर्म पानी में उबाल कर उसे बारीक काट लें चावल को नमक और दालचीनी पाउडर डालकर उबाल लें बोनलेस मटन लेकर उसमें नमक काली मिर्च पाउडर दालचीनी पाउडर और केसर डालकर अच्छी तरह से मिला लें अब एक मोटे तले वाले पैन में मक्खन लेकर इसमें मटन को अच्छी तरह से भूनें एक दूसरे पैन में मक्खन लेकर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज पकाएं उसमें पका हुआ पालक नमक और काली मिर्च पाउडर डालें और इसमें एक कप दही मिला लें एक अंडे को फेंट कर थोड़े से उबले हुए चावल उसके अंदर मिलाएं अब एक मोटे तले वाले पैन में सबसे नीचे अंडे वाले चावल बिछाएं और उसके ऊपर दही में मिला हुआ पालक डाल दें, इसके ऊपर पका हुआ मटन डालें और उसके बाद जो बाकी बचे हुए उबले चावल हैं, उसे डालकर फैला लें इसमें थोड़ा सा मक्खन पिघाल कर ऊपर से डालें और एल्यूमिनियम फॉयल से इसको ढक कर धीमी आंच पर 40 से 45 मिनट तक पकाएं और इसे गर्मा गर्म सर्व करें ये तो देखिए आपने दो पर्शियन रेसिपीज आप सोचते होंगे कि मैं इतने तरह का खाना बना के आपको दिखाता रहता हूँ ना जाने कहा जाता हूँ ना जाने कितने ट्रायल्स करता हूँ और ना जाने कितनी रेसिपीज बनाता हूँ अपने ऊपर टेस्ट करता हूँ आपके ऊपर टेस्ट करता हूँ ना जाने किस किस के ऊपर टेस्ट करता हूं आप सोचते हैं कि ये जितना काम है बहुत आसानी से हो जाता है कितने आराम से हो जाता है जी नहीं इसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है और काफी मजे भी आते हैं देखिए